दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक नई कमाल धमाल वीडियो में। आज की वीडियो में होने वाली है बहुत बहुत खास। दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ कार ब्यूटिक, और दोस्तों इनके पास है ना सेकंड हैंड कार्स का पूरा स्टॉक अवेलेबल है। तो अंदर चलते हो, दिखाता हूँ आपको कौन सी कार कितने प्राइस में मिलने वाली है। तो वीडियो में बने रहना, और चैनल पर नहीं होते चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। गाइस, आपको है ना यहाँ का एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ना आपके स्क्रीन पर आ रही होगी, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी एक बार चेकआउट कर लेना। पहली जो गाड़ी है वो है इनोवा क्रिस्टा ऑटो जेड, और दोस्तों ये जो गाड़ी है वो MH12 में पासिंग है, और दोस्तों ये 2016 की गाड़ी है, डीजल में गाड़ी अवेलेबल है, सिंगल ओनर ये गाड़ी है। गाड़ी की साइड प्रोफाइल देख लो, कुछ इस तरह से है। सो गाड़ी आप सामने से देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखने वाली है। फ्रंट टायर की कंडीशन देख लो, ये है बैक टायर्स कंडीशन आप देख लो, सामने वाले डोर की कंडीशन आप देख लो कैसी है। और गाड़ी में दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले देख लो कि चारों विंडोज आपको पावर विंडोज मिलने वाली है। उसी के साथ दोस्तों आप मिरर जो है वो ऑटो एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पर जॉयस्टिक वगैरह दिया है। स्टेयरिंग देख लो, पावर स्टेयरिंग इसमें आता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख लो कैसा है, ऑटो में ये गाड़ी आती है। और उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले वगैरह भी बिठाया है। डैशबोर्ड वगैरह देख लो कैसा है। इस पिछले वाले डोर की कंडीशन आप देख लो कैसी है। गाड़ी का जो इंटीरियर है ना गाइस, एकदम मस्त लग रहा है। देख लो गाड़ी की कंडीशन कैसी है अंदर से, और गाइस पीछे भी देख लो आप कैसा है। अच्छी खासी स्पेस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ये जो गाड़ी है इसकी आस्किंग प्राइस है 17,75,000 रुपीज़, और जो कि 90,000 किलोमीटर चल चुकी है। अगली जो गाड़ी है वो है सिलेरियो, जो कि CNG है, कंपनी फिटेड इसमें CNG आता है। MH12 पासिंग है दोस्तों, 2015 की गाड़ी है, सिंगल ओनर गाड़ी है, और ये गाड़ी चली है 71,000 किलोमीटर। गाड़ी के फ्रंट डोर की कंडीशन आप देख लो कैसी है। यहाँ पर आपको चारों विंडोज पावर विंडोज मिलने वाली है, पावर स्टेयरिंग आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख लो गाड़ी का कैसा है। गाड़ी के सीट्स की कंडीशन आप चेक कर लो कैसी है। गाड़ी जो है वो दोस्तों वो मैनुअल है, स्क्रीन टच डिस्प्ले भी यहाँ पर बिठाया है। ये आपके टेम्परेचर कंट्रोल्स, एसी वेंट्स, डैशबोर्ड वगैरह चेक कर लो कैसा है। राइट हैंड साइड से अगर आप देखोगे गाड़ी तो आपको इस तरह से दिखने वाली है। अगले टायर की कंडीशन आप चेक कर लो कैसी है, पिछले टायर की कंडीशन चेक कर लो कैसी है, पिछली वाली सीट्स की कंडीशन आप चेक कर लो कैसी है। और यहाँ पर दोस्तों स्पीकर्स वगैरह भी बिठाए हैं उन्होंने। गाइस जैसा मैंने कहा, गाड़ी में कंपनी फिटेड CNG भी बिठाया है, और उसी के साथ आपको ये स्टेपनी टायर भी मिलने वाला है। 71,000 किलोमीटर चली हुई है, और गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस है दोस्तों वो है 3,85,000 रुपीज़, जो कि निगोशिएबल हो जाएगी। अगली जो गाड़ी है वो मारुति सुजुकी की सियास VDI प्लस डीजल वेरियंट में ये गाड़ी है। दोस्तों ये 2015 की गाड़ी है, ये गाड़ी जो है ना वो सिंगल ओनर है, 99,000 किलोमीटर चल चुकी है। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो गाड़ी कुछ इस तरह से आपको दिखने वाली है, और ये है गाड़ी के पिछले टायर की कंडीशन, और लेफ्ट हैंड साइड से गाड़ी की प्रोफाइल कुछ इस तरह से दिखती है। अगले डोर की कंडीशन आप देख लो कैसी है। गाड़ी के चारों विंडोज है ना आपको पावर विंडोज मिलने वाले है, और मिरर भी है ना वो आप ऑटो एडजस्ट कर सकते हो। अंदर चलने के बाद आपको यहाँ पर पावर स्टेयरिंग मिलने वाला है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख लो कैसा है। उसके बाद दोस्तों गाड़ी की सीट्स की कंडीशन देख लो, काफ़ी मस्त है। और ये गाड़ी है ना दोस्तों वो मैनुअल है, कंपनी फिटेड यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम बिठाया गया है। ये आपके टेम्परेचर कंट्रोल्स, AC वेंट्स वगैरह देख लो, डैशबोर्ड वगैरह कैसा है चेक कर लो, पिछले डोर की कंडीशन आप चेक कर लो कैसी है। अंदर चलने के बाद यहाँ पर देख लो गाड़ी के पिछली सीट्स, और दोस्तों पिछले वाली सीट्स को भी आपको यहाँ पर AC वेंट मिलने वाला है, जो कि आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। पीछे से अगर आप गाड़ी देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको नज़र आने वाली है। बूट स्पेस आप देख लो कितना बड़ा है, और यहाँ पर काफ़ी सामान आप रख सकते हो, मतलब एक छोटी फैमिली का। की जो आस्किंग प्राइस है दोस्तों वो है 6,10,000 रुपीज़, जो कि निगोशिएबल है। अगली जो गाड़ी है वो है फोर्ड फिएस्टा डीजल, और ये दोस्तों 2012 की गाड़ी है, व्हाइट कलर में दोस्तों ये अवेलेबल है, और ये सिंगल ओनर गाड़ी है। साइड प्रोफाइल देखोगे तो कुछ आपको इस तरह से नज़र आने वाली है। पिछले वाले टायर की कंडीशन आप देख लो कैसी है, अगले वाले टायर की कंडीशन आप देख लो कैसी है, अगले वाले डोर की कंडीशन आप देख लो कैसी है, गाड़ी के सीट्स की कंडीशन आप देख लो कैसी है, डैशबोर्ड वगैरह देख लो। पर इन्होंने स्क्रीन टच डिस्प्ले भी बिठाया है, दिए आपके टेम्परेचर कंट्रोल्स, गाड़ी मैनुअल में आने वाली है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको पावर स्टेयरिंग भी मिलने वाला है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख लो गाड़ी का कैसा है, चारों पावर विंडोज मिलने वाले। गाड़ी के पिछले वाले डोर की कंडीशन आप देख लो कैसी है, सीट्स की कंडीशन वगैरह देख लो कैसी है। यहाँ पीछे देखो, यहाँ पर स्पीकर्स वगैरह वूफर्स वगैरह बिठाए हैं उन्होंने। बूट स्पेस देख लो कितना है, इसमें भी अच्छा खासा एक छोटी फैमिली का सामान आ जाएगा। पीछे से अगर आप देखोगे तो गाड़ी आपको कुछ इस तरह से दिखने वाली है।
अगली जो गाड़ी है वो है इर्टिगा VXI पेट्रोल MS16 पासिंग है, 2015 की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 38,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। गाड़ी के अगले डोर की कंडीशन आप देख लो कैसी है। यहाँ पर आपको जो चारों विंडोज है वो पावर विंडोज मिलने वाली है और मिरर्स भी आप दोस्तों ऑटो एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद स्टेयरिंग आपको पावर स्टेयरिंग मिलने वाला है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख लो कैसा है गाड़ी का, गाड़ी के सीट्स वगैरह देखो। यहाँ पर दोस्तों आपको कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिलने वाला है, टेम्परेचर कंट्रोल्स, और ये गाड़ी जो है दोस्तों वो मैनुअल में अवेलेबल है। पिछले वाले डोर की कंडीशन आप देख लो कैसी है, सीट्स की कंडीशन भी आप देख लो अंदर। यहाँ पर दोस्तों आपको आर्म रेस्ट के लिए भी मिलने वाला है। पीछे भी देख लो, पीछे भी अच्छी खासी स्पेस है आपको, और सीट्स की कंडीशन वगैरह भी देख लो कैसी है आपको। ना गाड़ी में बूट स्पेस देखो कितना मिलने वाला है, हालांकि लिमिटेड बूट स्पेस है, पर अगर आप ये जो सीट्स है इसको अगर आप फोल्ड करते हो तो अंदर की जो स्पेस है ना वो भी आपको मिल जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड से गाड़ी आपको कुछ इस तरह से दिखने वाली है, राइट हैंड साइड से देखो तो गाड़ी की प्रोफाइल कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगी। गाड़ी के अगले टायर की कंडीशन आप देख लो कैसी है, और दोस्तों ये है गाड़ी के पिछले टायर की कंडीशन। और दोस्तों इस गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस है वो है 6,75,000 रुपीज, जो कि निगोशिएबल है। तो गाइस नेक्स्ट जो गाड़ी है वो i20 स्पोर्ट्स इलाइट डीजल में गाड़ी दोस्तों अवेलेबल है, और ये 2016 की गाड़ी है, सेकंड ओनर गाड़ी है, जो कि 90,000 किलोमीटर चली हुई। राइट हैंड साइड से गाड़ी की प्रोफाइल कुछ आपको इस तरह से दिखने वाली है। गाड़ी के अगले टायर की कंडीशन आप देख लो, पिछले टायर की कंडीशन आप देख लो कैसी है। गाड़ी के अगले डोर की कंडीशन आप देख लो कैसी है, चारों विंडोज है वो पावर विंडोज मिलने वाली है, और मिरर भी आप ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं। आपको पावर स्टेयरिंग मिलने वाला है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख लो गाड़ी का कैसा है। ये गाड़ी आपको मैनुअल में मिलने वाली है। ये रहे आपके टेम्परेचर कंट्रोल्स, कंपनी फिटेड इसमें म्यूजिक सिस्टम भी बिठाया गया है, एसी वेंट्स, डैशबोर्ड वगैरह देख लो कैसा है। उसके बाद सीट्स की कंडीशन भी देख लो कैसी है, ब्लैक एंड ब्राउन कलर में कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है, जो कि डैशबोर्ड के कलर से मैच कर रहे हैं। पिछले वाले डोर की कंडीशन भी आप देख लो कैसी है, पिछले वाली सीट्स की कंडीशन भी आप चेक कर लो। लेफ्ट हैंड साइड से गाड़ी आपको कुछ इस तरह से दिखने वाली है। इसकी जो आस्किंग प्राइस है दोस्तों वो है 6,10,000 रुपीज, जो कि निगोशिएबल है। अगली जो गाड़ी है वो सिव LDI डीजल है, और ये 2012 की सेकेंड ओनर गाड़ी है, और 92,000 किलोमीटर चली हुई है। राइट हैंड साइड से अगर आप देखोगे तो गाड़ी आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। गाड़ी के अगले टायर की कंडीशन आप देख लो कैसी है, गाड़ी के पिछले टायर की कंडीशन भी चेक कर लो। अच्छे से अगर आप देखोगे तो गाड़ी आपको कुछ इस तरह से दिखने वाली है। और दोस्तों मैं बता दूं ये गाड़ी है वो MH12 पासिंग है। फ्रंट डोर की कंडीशन आप देख लो कैसी है, के पावर विंडोज भी आपको मिलने वाली है, जो कि फ्रंट के दो विंडोज आपको पावर विंडोज मिलने वाले हैं, उसमें आपको पावर स्टेयरिंग मिलने वाला है। गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख लो, वो गाड़ी जो है वो मैनुअल मिलने वाली है। म्यूजिक सिस्टम भी इसमें बिठाया गया है, ये आपके टेम्परेचर कंट्रोल्स, एसी वेंट्स, डैशबोर्ड वगैरह देख लो कैसा है, और गाड़ी की सीट्स की कंडीशन आप देख लो कैसी है। पिछले वाले डोर की कंडीशन आप देख लो कैसी है, और पीछे आपको पावर विंडोज नहीं मिलने वाली है, मैनुअल मिलने वाली है। सीट्स की कंडीशन आप देख लो कैसी है, यहाँ पर देख लो स्पीकर्स वगैरह आप बिठाए हैं। और गाड़ी के आस्किंग प्राइस है दोस्तों वो है 4,00,000 रुपीज, जो कि निगोशिएबल हो जाएगी। नेक्स्ट जो गाड़ी है वो है स्विफ्ट डिजायर VXI पेट्रोल और MH12 पासिंग है दोस्तों ये गाड़ी। गाड़ी का कलर देख लो काफी मस्त है। और दोस्तों गाड़ी में बता दूं 2010 की गाड़ी है, सिंगल ओनर गाड़ी है, 49,000 किलोमीटर चली हुई है। सामने से देखोगे तो कुछ आपको इस तरह से दिखने वाली है। राइट हैंड साइड से गाड़ी की प्रोफाइल कुछ इस तरह से है। फ्रंट टायर की कंडीशन आप देख लो कैसी है, ये वाले टायर की कंडीशन देख लो आप कैसी है। लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप देखोगे तो गाड़ी आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी। गाड़ी के डोर की कंडीशन आप देख लो कैसी है, चारों विंडोज जो है वो पावर विंडोज मिलने वाली है। मिरर जो है वो आपको मैन्युअली एडजस्ट करनी पड़ेंगी। स्टेयरिंग आपको पावर स्टेयरिंग मिलने वाला है। गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख लो कैसा है। गाड़ी जो है वो आपको मैनुअल में आने वाली है। ये आपके टेम्परेचर कंट्रोल्स, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, एसी वेंट्स देख लो, डैशबोर्ड वगैरह भी देख लो कैसा है, और गाड़ी के सीट्स की कंडीशन भी चेक कर लो। पिछले वाले डोर की कंडीशन चेक कर लो कैसी है, अंदर जाने के बाद सीट्स वगैरह भी चेक कर लो, सीट बेल्ट वगैरह भी आपको पीछे मिलने वाले। गाड़ी का बूट स्पेस आप चेक कर लो, काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सारा सामान इसमें आराम से आ जाएगा। इस गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस है वो है 3,65,000 रुपीज़, जो कि निगोशिएबल हो जाएगी।
अगली जो गाड़ी है वो है वैगन आर LXi, और दोस्तों इसमें है ना कंपनी फिटेड CNG भी आता है। 2014 की गाड़ी है, ग्रे कलर में अवेलेबल है, MH14 पासिंग है। और दोस्तों ये जो गाड़ी है वो सिंगल ओनर गाड़ी है, 70,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। राइट हैंड साइड से अगर आप देखोगे गाड़ी की प्रोफाइल तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। गाड़ी के अगले टायर की कंडीशन आप देख लो कैसी है, और गाड़ी के पिछले टायर की कंडीशन भी आप चेक कर लो। लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप देखोगे तो गाड़ी आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी। डोर की कंडीशन आप चेक कर लो गाड़ी की कैसी है। और यहाँ पर दोस्तों है ना सामने के दो विंडोज आपको पावर विंडोज मिलने वाले है, पावर स्टेयरिंग आने वाला है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख लो कैसा है गाड़ी का। तो गाड़ी जो है वो मैनुअल में आने वाली है। ये आपके टेम्परेचर कंट्रोल्स, म्यूजिक सिस्टम भी इसमें फिट किया है। डैशबोर्ड वगैरह देख लो गाड़ी का कैसा है। सीट्स की कंडीशन चेक कर लो, यहाँ भी चेक कर लो। पिछले वाले डोर की कंडीशन भी आप चेक कर लो कैसी है। मैंने कहा पिछले वाले विंडोज आपको मैनुअल मिलने वाले हैं। सीट्स वगैरह चेक कर लो कैसे है। पीछे से अगर आप देखोगे दोस्तों तो गाड़ी आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी। दोस्तों जैसा मैंने कहा गाड़ी में कंपनी फिटेड CNG भी आपको मिलने वाला है। CNG की टंकी भी चेक कर लो कैसी है। स्टेपनी टायर भी आपको मिल जाएगा। 3,85,000 रुपीज इसकी आस्किंग प्राइस है, जो कि निगोशिएबल हो जाएगी। अगली जो गाड़ी है वो है 2009 की शेवरलेट स्पार्क। सिंगल ओनर ये गाड़ी है, प्योर पेट्रोल में आ रही है। 83,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है दोस्तों, और ये पूना पासिंग गाड़ी आपको मिलने वाली है। पीछे से गाड़ी कुछ आपको इस तरह से नजर आने वाली है दोस्तों। राइट हैंड साइड से अगर आप देखोगे तो गाड़ी आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी। गाड़ी के अगले टायर की कंडीशन आप चेक कर लो कैसी है। पिछले टायर की कंडीशन भी चेक कर लो कैसी है। गाड़ी के डोर की कंडीशन भी चेक कर लो कैसी है। आगे के दो विंडोज पावर विंडो मिलने वाले है। मिरर जो है दोस्तों आपको मैन्युअली एडजस्ट करने पड़ेंगे। पावर स्टेयरिंग आपको मिलने वाला है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख लो कैसा है, यहाँ भी देख लो। AC वेंट्स, म्यूजिक सिस्टम भी उन्होंने बिठाया है। टेम्परेचर कंट्रोल मैनुअल में दोस्तों ये गाड़ी आ रही है। डैशबोर्ड भी एक बार चेकआउट कर लो। सीट्स की कंडीशन भी चेक कर लो कैसी है। डैशबोर्ड का कलर और सीट का कलर मैच हो रहा है दोस्तों। पिछले वाले डोर की कंडीशन आप चेक कर लो कैसी है। विंडोज आपको पीछे मैनुअल मिलने वाली है। अंदर भी देखो कैसा है दोस्तों, इसकी कंडीशन वगैरह चेक कर लो कैसी है। गाड़ी का बूट स्पेस भी आप चेकआउट कर लो कैसा है। डिसेंट स्पेस आपको मिलने वाली है। इसकी जो आस्किंग प्राइस है दोस्तों वो है 1,60,000 रुपीस, जो कि निगोशिएबल हो जाएगी। तो दोस्तों अभी मेरे साथ है कार ब्यूटिक के मैनेजर प्रतीक सर। तो सर आप मुझे यहाँ का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर एक बार बता दीजिए ना। हड़प सर, नियर मेगा सेंटर, बिहाइंड चूल मटन होटल। और सर यहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर? 9822051074। हमारा अल्टरनेट नंबर ये है 7720501074। तो गाइज आपने कार ब्यूटिक का पूरा स्टॉक देख लिया। मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ पर कोई तो कार पसंद आई होगी और आप इनको कॉन्टेक्ट जरूर करोगे। दोस्तों यहाँ का एड्रेस और कॉन्टेक्ट डिटेल्स है ना नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी एक बार चेकआउट कर लेना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।